मंडी युवा कांग्रेस के महासचिव वीर भारद्वाज ने प्रेस में जारी बयान में कहा कि सराज के विधायक लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सराज में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सराज में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं और विकास के बल पर कांग्रेस विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी और वीरभद्र सिंह सातवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें जंजैहली में जो है SDM दफ्तर दिया, सिविल अस्पताल दिया, थाना दिया, छतरी बेल्ट में सब तहसील दी, बाली चौकी क्षेत्र में जो है तहसील सब तहसील को तहसील दिया, 108 एम्बुलेंस दी, सब्जी मंडी बाली चौकी दी, 11 श्रेणी में कॉलेज दिया, थाची में कॉलेज दिया, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए जिसमें जो है 6-7 जो है सराय क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने जो है PSE भी दी और सड़कों का जाल बिछा दिया। इन विकास को देखते हुए सराज के लोगों ने ये मन कर लिया कि जो 20 साल से जो विधायक जो अभी की सराज के लोगों ने विधायक चुनकर भेजा हुआ है, उन्होंने जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय कुछ भी नहीं किया है। इस स्थिति में जो है इस चुनाव में सराज की जनता, सराज के लोग जो है इस विधायक को 10,000 वोट से हराने के जो है चेतावनी देते हैं। और इसी के साथ जो है आज जो स्थानीय विधायक जो है गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मगर हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की तो बाद की बात है, वो धूमल जी और मोदी साहब या धूमल साहब से परमिशन ले बात करने की, और सराज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। निश्चित तौर पर जो है सराज से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा, चेतराम ठाकुर जो है वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है 101% जो है वीरभद्र सिंह की सरकार बनेगी और सातवीं बार वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमको पिछली रैली में देखने के लिए मिला हुआ है।